gentlemen, welcome back to Aslam and I, presented by Sir Pax. मेरे साथ मौजूद है मरियम नफीस और अमान. अच्छा मरियम, मैंने सुना भी एक हॉरर सीरीज भी कर रही हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा ये चुड़ैल भूत वगैरह, ये इतनी जल्दी बायोग्राफी करने की जरूरत क्या थी? अच्छा कैसा एक्सपीरियंस रहा चुड़ैल भूत में इन्वॉल्व होके? अच्छा था. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप वो देखेंगे यू विल सी कि इट्स नॉट एमेच्योर. अच्छा. उसके VFX, उसका पोस्ट बहुत अच्छा हुआ. ये टीवी पर आने वाली है, OTT? ये टीवी, बट इट्स बहुत सारे स्टार्स हैं उसमें, सबने एपिसोडिक मैंने देखा ट्रेलर. या बहुत अच्छा लग रहा है वो. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एक्चुअली, सीरियसली. अच्छा अमान भाई, ब्राजील की बात हो रही थी, ब्राजील में आपका क्या किस्सा है? ब्राजील में भी किस्से छोड़कर आए हैं? हां काफी किस्से. यार ब्राजील में एक किस्सा ये था कि हम वहां फवेला होता है, स्लम्स जिसे कहते हैं ना, जो आपने देखा होगा कलरफुल उनके जो घर होते हैं, वो बड़ा खतरनाक एरिया होता है. जब हम वहां गए हमें बताया गया आपने वहां नहीं जाना. अब हम कराची के बॉयज गए थे, हमें तो एडवेंचर चाहिए था, तो क्रिमिनल चाहिए. हम घुस गए उसके अंदर. एक टैक्सी वाले को हमने कुछ थोड़ा से पैसे दिए गूगल कर ट्रांसलेट करके उसको करके. अच्छा हम अंदर जा रहे हैं, हमें कुछ इतना नज़र नहीं आया शुरू में, बस एक पतली सी रोड थी, उस रोड पे आप यू टर्न नहीं ले सकते थे. अब आपने एग्जिट, आप जा रहे हो तो खान साहब नहीं जाते, अब आपने एग्जिट ढूंढना है. अच्छा हमारा ड्राइवर जो था वो, उसने अपने अम्मी को कॉल कर लिया, गर्लफ्रेंड को कॉल कर लिया, वो मैंने पैनिक कर रहा है. हमने कहा पता नहीं क्या, ये तो अपनी जैसी गलियां हैं कराची, ऐसी गलियां रोज का हमारा. तो खैर हम थोड़ा सा आगे गए तो फिर हमें गन्स वगैरह नजर आना शुरू हुई, बुलेट्स और गन्स और ये. तो खैर अब हम भी थोड़ा सा वो हो गया, जहाँ वहाँ हमारी ये सेटिंग चल रही है कि एक आएगा कोई लेने फोन तो एक नीचे डाल देंगे, एक दे देंगे, जो हमारी कराची एक्सपीरियंस होता है. खैर फिर वो है कि एक रोड के बीच में एक आदमी आ गया, गन उसके हाथ में, यहाँ उसने एक बर्ड मकाओ रखी हुई और गोल्ड का दांत, बिल्कुल हॉलीवुड का कैरेक्टर निकला हुआ. उसने रोका, उसने कहा कम आउट. अच्छा हम दो हफ्ते से ब्राज़ील में इंग्लिश किसी को नहीं आती, इसको आती थी बिल्कुल, ड्राइवर को नहीं, नहीं जो जो सामने बंदा गैंगस्टर था, ठीक है ना, उनका काम ही इंग्लिश का है. व्हाट यू डूइंग, काम करते थे, व्हाट यू डूइंग, यू नो, ग्रिंगो, ग्रिंगो कहते हैं, ग्रिंगो, ग्रिंगो. हमने कहा अच्छा हमें वो स्टेडियम नजर आया जहाँ फाइनल था, दो दिन बाद फाइनल था. हमने कहा वी जस्ट केम टू टेक द पिक्चर, यू नो, फोटोग्राफर. तो कह रहे वेयर आर यू फ्रॉम, ग्रिंगो फोटोग्राफर. तो एक दोस्त था वो, उसका अमेरिका का था. तो मैंने कहा तुम तो ना बोलना, तुम्हें तो पता नहीं है यही ना. बोल, तूने बोल, हम आपस गरीब मुल्कों का मामला है. अच्छा मुझसे पूछा था क्या बोलूं कैसे बोलूं, फिर मैंने बोल दिया पाकिस्तान. डर गया होगा, अरे अरे पाकिस्तान चलो. पाकिस्तान जब उसने बोला, कहता है पाकिस्तान, मैंने कहा यस. तो कहता है पाकिस्तान, पाकिस्तान. तो मैंने कहा यस. तो वो उसको ड्राइवर को बुलाता, कहता है टेक विद पिक्चर विद पाकिस्तान ग्रिंगो. ये हमसे बड़े गैंगस्टर आ गए, सोचे मोबाइल निकाल के दे देते ना, दांत निकाल के, दांत सोने का दांत, मोबाइल घर पे और भी कैश है, ऐसी इज्जत और कहीं नहीं मिली. वाह वाह, उसी इलाके में मिल सकता है. बहुत बहुत